हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर 26 मार्च से होगी बंद। ट्री लाइनिंग की वजह से इंदिरा गांधी नहर होगी बंद। पंजाब में 60 दिन में होगा 39 किलोमीटर रीलाइनिंग का काम, वही राजस्थान में होगा 30 दिन में 65 किलोमीटर रीलाइनिंग का काम। 21 मार्च से किसानों की सिंचाई पानी पर रहेगा बैन, सिर्फ पेयजल आपूर्ति के लिए आएगा पानी। जलदाय विभाग की तरफ से 10 जिलों में पेयजल भंडारण के दिए गए आदेश। डीएस सारस्वत की खास रिपोर्ट। इंदिरा गांधी कोई बंदी 60 दिन की आप ले रहे हैं, क्या कुछ इस बार इंदिरा गांधी नहर कनाल में 60 दिवस की नहरबंदी ली जा रही है, जो कि 26 मार्च से लेके 24 मई तक ली जाएगी, जिसमें जो है प्रथम 30 दिन पार्शली क्लोजर रहेगा, जिसमें पीने का पानी सरेंद्र फिल्टर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, और बाद में 30 दिन जो है कंप्लीट क्लोजर रहेगा इंदिरा गांधी नहर पर। जो है इस नहरबंदी के अंदर पंजाब पोर्शन में 60 दिवस के अंदर 34 किलोमीटर एरिया के अंदर रीलाइनिंग का काम राजस्थान फीडर में होगा, और राजस्थान पोर्शन के अंदर 30 दिन की नहरबंदी में 65 किलोमीटर के अंदर इंदिरा गांधी नहर का रीलाइनिंग का काम होगा। जी, पानी को लेकर सर 10 जिले इस नहर से जुड़े हैं, कोई समस्या तो पैदा नहीं होने वाली? नहीं, इस बार पानी के लिए अभी 4 में से 2 समूह चल रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर जो PHD की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जो उनका भंडारण है वो पूरा है, और इसके बाद भी नहरबंदी से पहले 5 दिन के अंदर प्योरली पीने के लिए पानी चलाया जाएगा, जिसमें जो पानी की थोड़ी कमी होगी वो भी पूर्ति कर दी जाएगी। जी, रीलाइनिंग को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं? हाँ, रीलाइनिंग को लेकर सारे जो है निविदा आमंत्रित करके वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रैक्टर को दिए जा चुके हैं, और शीघ्र ही जो है जैसे रीलाइनिंग का काम कराने के लिए जो मटेरियल वगैरह है वो साइड पे आना शुरू हो जाएगा। जी सर, जल्दी काम पूरा हो जाए इसलिए कितने के कॉन्ट्रैक्टर इसमें लगाए जा रहे हैं? इसमें अभी 65 किलोमीटर के अंदर 77 जो है कॉन्ट्रैक्टर वर्क जो है अलॉट किए गए हैं, जो 2 से लेकर 3 RD तक का एक वर्क दिया गया है, जिससे जो काम कम समय में पूरा हो, क्योंकि पहले जो 30 दिन की नहरबंदी में लेके काम करते थे, अभी जो जिस क्षेत्र के अंदर ये काम होने हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्टर को 25 दिन का ही समय मिलेगा, इसलिए 25 दिन में काम कैसे हो उसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई। जी सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, एक नूतगढ़ ब्रांच और सूटकर ब्रांच का आखिरी काम कब तक होगा कंप्लीट, और दूसरा जो 607 पे जो डैम बन रहा है उसका कार्य कब से शुरू होने जा रहा है? अभी अनूपगढ़ और सूरतगढ़ ब्रांच के जो काम अभी सिस्टम के चल रहे हैं, ये फरवरी 2024 तक 25 तक पूरे होंगे ये काम, क्योंकि इसमें कुछ अभी भी नए टेंडर लगाए हैं। इस पूरा वितरण क्षेत्र के अंदर जो काम होना है वो फरवरी 2025 तक पूर्ण होंगे। 507 हेड मुख्य बनता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखते हैं।